आपने करना है कैसे एक क्लास डेढ़ घंटे ना एक घंटा एक नाइस तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कुएं से हम पानी बाहर निकाल रहे हैं तो एक पुली होती है ना, पुली के ऊपर से एक रस्सी आ रही होती है इस तरह से। तो या फिर ऐसे ही बाल्टी को ऊपर की ओर खींचना है तो हमें क्या है, फोर्स लगाना पड़ेगा। बाल्टी में पानी भर गया, कुएं में बाल्टी डाली, पानी भर गया बाल्टी में, और उसे फिर क्या है, फोर्स लगा कर ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। या पुली से के थ्रू जो हम रस्सी निकाली हुई है, पुली के थ्रू हमने रस्सी निकाली हुई है, तो तब भी हम क्या है, रस्सी पर एक फोर्स लगा रहे हैं, तब वो बाल्टी ऊपर की ओर आ रही है, जो कुएं के अंदर बाल्टी है जिससे पानी निकाल रहे हैं। तो जब हम रस्सी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बाल्टी ऊपर की ओर आती है ना। तो एक तो एग्जांपल हो गया ये फोर्स का, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि क्रिकेट मैच देखते हैं हम लोग, तो क्रिकेट मैच में क्या है कि बैट्समैन जो होता है वो बॉल को हिट करता है तो बॉल जो है दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो जो बैट्समैन है वो अपने आर्म फोर्स, मस्कुलर फोर्स को यूज़ करता है और बॉल को दूसरी डायरेक्शन में मूव करा देता है। तो वो भी एक फोर्स हो गया। ठीक है, और भी जैसे फुटबॉल प्लेयर है तो फुटबॉल रखी हुई है ग्राउंड में, तो वो जो है उसको फुटबॉल को किक करेगा तो फुटबॉल किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी, जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में बॉल मूव करने लग जाएगी। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है फोर्स के, कि फोर्स का मीनिंग क्या है ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि फोर्स है क्या चीज़। तो अच्छा, अब जैसे कि देखो, फोर्स पुश और पुल, जैसे कि एक दरवाज़ा है ना, दरवाजे को आपको जो है ओपन करना है तो आप उसे पुश करोगे, हैंडल को पुश करोगे तो ओपन हो जाएगा दरवाज़ा। तो आप क्या कर रहे हो, पुश करने में क्या है कि फोर्स लगा रहे हो उस पर, दरवाजे पर, तब वो ओपन हो रहा है। या आपको क्लोज करना है तो आप उसे पुल कर लोगे अपनी तरफ दरवाजे को, तो वो बंद हो जाएगा दरवाज़ा। तो पुश और पुल ये क्या है, ये भी टाइप ऑफ फोर्स है, एक तरह से फोर्स ही लगाया जा रहा है तभी दरवाज़ा खुल रहा है या बंद हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद फोर्स ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अच्छा, जैसे कि मान लो एक कार खड़ी हुई है और कार के पास में एक आदमी खड़ा हुआ है, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है ना। फोर्स की कंडीशन बता रहा हूँ मैं, कि फोर्स की कंडीशन कि अब, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी एग्जांपल बताया कि रस्सी को हम खींच रहे हैं तब पानी ऊपर आ रहा है, मतलब कि रस्सी और हमारे बीच में कॉन्टैक्ट बना हुआ और हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा बैट्समैन जो है बॉल को हिट कर रहा है, तो वो बॉल जब बैट के कॉन्टैक्ट में आई तभी उस पर फोर्स लगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लिया कि जो फुटबॉल प्लेयर है उसने किक मारी फुटबॉल में, है ना, तो वो जो जब किक लगी उसके बाद में बॉल मूव हुई, मतलब कॉन्टैक्ट हुआ बॉल में और फुटबॉलर के लेग में। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए एक तरीके से, कि मतलब जब दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तब फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि कार खड़ी हुई है ना, और एक आदमी उसके पास में खड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों में, कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही वो आदमी उस कार को पुश करने लग जाएगा, मतलब धक्का लगाने लग जाएगा, तो वो कार मूव करने लग जाएगी, इसका मतलब आदमी ने कार पर फोर्स लगाया तब वो कार मूव की। ठीक है ना, तो फोर्स क्या है, फोर्स जो है पुश और पुल दोनों टाइप का हो सकता है। पुश जैसे कि
बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो उसने पुश किया, फुटबॉलर ने जो है फुटबॉल को किक किया तो उसने क्या किया, पुश किया उसको आगे, ठीक है। जब कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स लग रही है, ठीक है ना, पुल कर रहे हैं हम, रस्सी को खींच रहे हैं अपनी तरफ। दरवाजे के केस में क्या है, दरवाजे को जब आप ओपन करना चाह रहे हो, खोलना चाह रहे हो तो उसे पुश कर रहे हो, और क्लोज करना चाह रहे हो, बंद करना चाह रहे हो दरवाजे को, तो आप उसे पुल कर रहे हो अपनी तरफ। तो फोर्स कैसा हो गया, पुश टाइप और पुल टाइप, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं इसका, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे कि कोई बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, तो उस बॉक्स को अगर कोई यहाँ से धक्का दे रहा है, एक बच्चा है जो इस बॉक्स को धक्का दे रहा है, तो ये बॉक्स आगे की तरफ खिसक नहीं पा रहा है, ये खिसक रहा है, बहुत थोड़ा सा खिसक रहा है। दूसरा बच्चा आया, वो भी इसी साइड में लग गया, उसने भी इसको धक्का देना शुरू कर दिया, तो दोनों ने मिलकर धक्का दिया, तो ये जो है खिसक गया आगे। मतलब फोर्स क्या है, एडिटिव टाइप का है, मतलब दोनों का जो फोर्स था, दोनों मिलके जो है इसको खिसका दिया, दोनों का फोर्स मिला के इसको खिसका दिया गया, ठीक है। मतलब फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा था इसलिए उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब दो बच्चे थे यहाँ, तो एक बच्चा हटके इस साइड में चला गया, यहाँ से फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, और एक बच्चा जो इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, और ये जो है वही की वही स्टेशनरी है, ये नहीं खिसक रहा है। मतलब क्या हुआ, इसने F1 फोर्स लगाया और इसने F2 फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, F1 माइनस F2 हो गया, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे होते हैं, अगर ये वाला फोर्स जो है F2, अगर ये वाला फोर्स यहाँ से हटा दिया जाए और इधर ही लगा दिया जाए F2, तो टोटल फोर्स F नेट कितना हो जाता, F1 प्लस F2, ऐसे लिखते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये फोर्स अपोजिट, ये क्या सेम डायरेक्शन में जैसे ये ऐड हो गए, अगर ये फोर्स इधर लगा दिया जाए, F2 को मैं यहाँ से हटा दूँ, दूसरा बना देता हूँ मैं यहाँ पर, F2 को मैं दूसरी डायरेक्शन से लगाऊँ, ठीक है ना, इधर लग रहा है F1 और इधर से लग रहा है F2, तो F नेट कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, और एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर जो भी हमने फोर्सेस देखे वो कैसे फोर्सेस है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, मतलब जब कॉन्टैक्ट में आए दोनों बॉडी तब फोर्स लगा, बच्चे ने हाथ यहाँ पर रख के इसको पुश किया तब फोर्स लगा, या कार को पुश किया गया तो फोर्स लगा, कार और पर्सन दोनों क्या है कॉन्टैक्ट में आए तब फोर्स लगा, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो बैट और बॉल कॉन्टैक्ट में आए तब फोर्स लगा, फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉलर का पैर दोनों कॉन्टैक्ट में आए तब फोर्स लगा, ठीक है ना। रस्सी से कुएं से पानी खींच रहे हैं तो हाथ और रस्सी कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तब पुलिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसी फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऐसे फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब फोर्स लगाने वाला और जिस पर फोर्स लग रहा है दोनों कॉन्टैक्ट में है तब वो फोर्स अप्लाई हो पा रहा है, अन्यथा वो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के फोर्सेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। दूसरे टाइप का फोर्स भी होता है जो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट लगता है, ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर खींच रही है, ठीक है ना। ऊपर से एक स्टोन फेंका 20 मंजिल ऊपर से, वो अपने आप अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ खींच रही है उसे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, जब वो गिर रहा है तो अर्थ और स्टोन के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अट्रैक्ट कर रहा है उस स्टोन को अपनी ओर, अट्रैक्शन फोर्स,
ठीक है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इनमें कोई भी कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी ये फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, the same direction.